हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक सेफ्टी टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक किसी की जान बचाने के लिए या खुद की जान बचाने के लिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, हिल स्टेशन पे, फोर्ट्स पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, जंगल्स में जाते हैं, सफारीज में जाते हैं, तो हमें सामना करना पड़ता है नेचर से, नेचर्स के एनिमल्स से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं, हमारे फैमिली को प्रॉब्लम दे सकती है। उसमें सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस फैक्ट है स्नेक बाइट। और आज के ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्नेक बाइट टिप देने वाला हूँ, एक ऐसा टूल देने वाला हूँ जो बहुत सस्ता है और बहुत इफेक्टिव है स्नेक बाइट के दौरान, और ये बहुत लाइफ सेविंग साबित हो सकता है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, जब भी आप घूमने जाएँ या टूर पर जाएँ। तो बहुत सी बार हम घूमने जाते हैं और स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट या जो भी पॉइजनस चीज़ें हैं या हार्मफुल चीज़ें हैं, और वो हमें बाइट कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स ऐसी जगह पे जल्दी मिलते नहीं हैं, और कभी कभी तो इतने पॉइजनस हो सकती है चीज़ें कि विद इन मिनट्स, 15 to 30 मिनट, बहुत सारे लोग जान गंवा बैठते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सामने आती है वो है स्नेक बाइट्स। हम लोग जाते हैं, बहुत सारी बुशी एरिया होती हैं, ग्रीनरी एरिया होती है, आप देख सकते हैं कैसी ग्रीनरी एरिया होता है, हमारी फैमिली चलती है, हमारे फ्रेंड्स चलते हैं, और बाय चांस स्नेक बाइट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए ताकि सामने वाले की भी जान बच जाए और हमारी भी जान बच सके। तो स्नेक्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के स्नेक्स होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, जिसमें जहर होता है और जिसमें जहर नहीं होता है। तो टॉप 3 स्नेक्स जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट केसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो टॉप 3 मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, जो सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है, नंबर 1 पे मैं बोलूँगा वो है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट का पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न होता है स्नेक का। ये पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका स्नेक बाइट होता है, स्नेक बाइट के दौरान सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि वो दिखता कैसे है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है एंटी वेनम देने के लिए डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स भी सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि कौन से सांप ने काटा, कैसा दिखता था। सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि वो स्नेक दिखता कैसा था, कौन से कलर का था, कैसे पैटर्न का था। ये पैटर्न आप जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कौन से स्नेक बाइट हुआ है, जिससे एंटी वेनम वही एग्जैक्ट मिल जाता है और इंसान की लाइफ बच जाती है। सेकेंड, अगर हम मोस्ट पॉइजनस देखें तो मैं कहूँगा कोबरा। बहुत सारे लोग कोबरा को नंबर 1, लेकिन कॉमन क्रेट बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है, बहुत जल्दी डेथ होती है इंसान की। कोबरा, किंग कोबरा, बहुत सारे कोबरा के स्पीशीज़ होते हैं। तो कोबरा का पैटर्न आप देखेंगे, इसमें एक्चुअली पैटर्न नहीं, इसका शेप जो होता है, ये फन निकालता है, ये ऐसे हेड को अपना चौड़ा कर लेता है, ये कोबरा की निशानी है। एक टिपिकल, जैसे आपने स्नेक देखा है टीवीज़ वगैरह में, वैसा कोबरा आपको शेप में दिख जाता है। ये बाइट करने के दौरान अपना जो फन होता है, जो हेड होता है, उसको ऐसा फैला लेता है और फिर बाइट करता है, तो ये कोबरा की निशानी है। जब भी आप टूर पे निकलें, फैमिली के साथ बाहर निकलें, ऐसी सुनसान जगह पे निकलें, बुशी एरियाज़ में निकलें, झाड़ियों वाली एरिया में निकलें, तो मैं कहूँगा आपको स्नेक्स के बारे में जानना बहुत 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 ज़रूरी है। ये आपकी, आपके परिवार की, आपके लोगों की जान बचा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट टॉप 4 to 5 स्नेक्स के बारे में आप जान लें कि कौन पॉइजनस होते हैं, कौन नॉन पॉइजनस होते हैं। और थर्ड नंबर पर मैं कहूँगा मोस्ट पॉइजनस में रसल वाइपर। रसल वाइपर का पैटर्न देखिए इस तरह होता है, ये इस तरह का दिखता है, आप इसको ध्यान से देख लें। ये तीनों में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, जो कि अगर आप देखेंगे ये मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स हैं। रसल वाइपर भी अच्छा खासा पॉइजनस है, जो काटने पे जान जा सकती है किसी की भी। नॉन पॉइजनस ऐसा स्नेक होता है जिसमें पॉइजन नहीं होता है, जो काटने पे आपका डेथ नहीं होता है, लेकिन इंसान इतना डर जाता है, उसकी हार्ट बीट्स, अटैक आ जाता है बहुत सारे लोगों को। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि स्नेक बाइट के दौरान वो नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट करता है, आपकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन इंसान इतना डर जाता है, इतना हार्ट बीट्स रेज हो जाती है, इतना ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, वो इतना डर जाता है कि उसका ले जाते ले जाते डेथ हो जाता है, अटैक आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, और उसका नॉन पॉइजनस स्नेक से भी डेथ हो जाते हैं। तो नॉन पॉइजनस हम देख लेते हैं, जैसे कि पाइथन, इसे हिंदी में अजगर भी कहते हैं, ये नॉन पॉइजनस होता है, ये सिर्फ चीज़ें खाता है, निगल लेता है। ये दिखने में बड़ा और डेंजरस होता है, लेकिन इसके बाइट में जहर नहीं होता है। तो आप देख लें कि ये अजगर का पैटर्न कैसा होता है, शेप कैसा होता है, इसके हेड के शेप से भी आप पहचान सकते हैं, नैरो टाइप का होता है, तो ये नॉन पॉइजनस होता है, ये काटने पे डेथ नहीं होती है। दूसरा आप देख सकते हैं रेड स्नेक्स, जो चूहे खाने वाला स्नेक होता है, धामन सांप भी कहते हैं, ये लंबाई में बहुत बड़ा होता है, ये लंबाई में 6-8 फीट तक भी होता है, ये भी देखा जाए तो डेंजरस दिखता है उसके साइज के हिसाब से, लेकिन वो नॉन पॉइजनस होता है, ये चूहे वगैरह छोटे जानवर ही खाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्नेक बाइट कोई सा भी हो, चाहे पॉइजनस स्नेक काटे या नॉन पॉइजनस स्नेक काटे, लेकिन एक बात सबसे पहले इंसान को, जिसको काटा है, उसको करना है, वो है घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराने से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ब्लड फ्लो, खून का रक्तचाप बोल सकते हैं, वो पूरे बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जहाँ पे भी स्नेक बाइट हुआ है, पैर पे, हाथ पे, किधर भी, वहाँ से जो खून में
पॉइजन एंटर करता है, जो जहर अंदर जाता है स्नेक बाइट का, वो और तेजी से फैल जाएगा बॉडी में। तो इसीलिए जब हमें, चाहे वो पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, इंसान को घबराना नहीं है, हार्ट बीट रेज नहीं करना है, और खासकर उसको लिटाना नहीं है कोई भी जगह पे। लिटाने से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो और तेजी से फैलता है पूरे बॉडी में और बहुत जल्दी डेथ हो सकती है इंसान की। तो जितना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा हॉस्पिटल पहुंचने में, उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो हमें सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट करना है, वो है हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए आपको जल्द से जल्द फाइंड करना है, जहां पे भी आप घूमने जा रहे हैं आप ये ढूंढ के जाएं कि वहां पे नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। आप ये भी स्टडी करके जाएं, हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, ये पॉइंट घूमना है, वो पॉइंट घूमना है, लेकिन आप ये भी स्टडी करके जाइए कि हॉस्पिटल वहां पे नज़दीक कौन सा है, ताकि कोई भी इमरजेंसी केस होता है, भले स्नेक बाइट ना हो, कोई भी एक्सीडेंट भी होता है, तो आप जल्द से जल्द वहां हॉस्पिटल में अपने परिवार को, दोस्त को या खुद को ले जा सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ, स्नेक बाइट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, ये मैंने एक इंजेक्शन लिया है जो मोटा सिरिंज होता है, हमारे मेडिकल पे मिल जाता है, ये सिरिंज कहते हैं या इंजेक्शन आप कह सकते हैं। ये कोई भी मेडिकल में सादा इंजेक्शन, बिना नीडल के, बिना सुई के आपको ये सिरिंज लेना है, और ये सिरिंज आप जितना मोटा लें उतना अच्छा है। इसके साथ आपको लेना है ये कैप, जिसने आपने देखा होगा सिरप्स वगैरह जो बच्चों के होते हैं, वो सिरप्स के ऊपर एक प्लास्टिक का कैप, ऐसा वो सिरप्स के कैप के ऊपर ये प्लास्टिक का एक कैप होता है जिसमें ml लिखा होता है, 5 ml, 10 ml, 15 ml, आपने सभी ने देखा होगा। ये आपको एक बड़े से बड़ा प्लास्टिक कैप लेना है, और ये एक सिंपल सिरिंज लेना है, ये हार्डली 10 टू 20 रुपीस का आएगा मेडिकल्स पे, और ये तो फ्री भी दे देते हैं। तो सिर्फ ये दो चीज़ चाहिए, और एक चाहिए एक फेविक्विक या सीलेंट आप कह सकते हैं, छोटा सा 5 रुपये का आएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट गई आपकी 30 to 40 rupees, बहुत हो गया तो 50 rupees। ये तीन चीज़ लेके आप अपनी किट बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो आपने ये जो कैप लिया है सिरप का, जिसमें 5 ml, 10 ml मार्किंग्स है, वो आप लीजिए, और इसमें एक आप कीला होता है या नेल होता है, उसमें उसको आप गर्म करके इसमें छेद कर लीजिए, या किसी तरह से इसमें छेद कर लीजिए। उसका छेद का साइज़ आपके नीडल का जो ये साइज़ है, जहाँ पे हम इंजेक्शन सुई लगाते हैं, जहाँ पे हम नीडल लगाते हैं, उससे साइज से थोड़ा छोटा हो, ताकि ये प्रेसिंग से जाए, दब के जाए। ज़्यादा बड़ा होल हो जाएगा तो ये फ्रीली जाएगा, तो वो नहीं करना है, थोड़ा ये प्रेसिंग से जाए। तो ये जब होल कर लिया आपने, होल करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा एडिसिव डालना है, जो फेविक्विक वगैरह मैंने आपको बताया था, या सीलेंट आपको हल्का सा लगाना है, ये भी आपको लोकल शॉप पे मिल जाएगा, और आपको इसको प्रेस फिट करके दबा के इसके अंदर प्लेस कर देना है। तो ये आपका सक्शन टूल इस तरह से रेडी हो जाएगा, और इसको ओवरनाइट आप क्यूरिंग के लिए छोड़ दें, सूखने के लिए छोड़ दें, रात भर सूखेगा तो और अच्छा मजबूत हो जाएगा। अब ये रेडी हो जाएगा आपको कैरी करने के लिए ट्रैवलिंग के दौरान। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है इसे। जब भी स्नेक बाइट होता है, जिस एरिया में अभी होता है, समझो हाथ पे हुआ, तो जहाँ पे भी स्नेक बाइट होता है, तो यहाँ पे जो हमारा सिरप का कैप है उसको वहाँ पे प्लेस करें, उसके सेंटर पे, और पूरी स्किन कवर हो जाए, पूरा स्किन सील हो जाए, ऐसे आपको प्लेस करना है, और इसको सक करना है। जब आप सक करेंगे तो आपकी स्किन में एक खिंचाव पैदा होगा, एक दबाव पैदा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जो कि जहर को बाहर निकालेगा बॉडी से। तो ये आपको इमीडिएट करना है, आपको जब भी स्नेक बाइट होता है फौरन ये करना है, जब तक आपकी कोई गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं आ जाती, जब तक आपकी कोई गाड़ी की अरेंजमेंट ना हो जाए हॉस्पिटल जाने तक। हॉस्पिटल जाते जाते अगर हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना जहर गया है बॉडी के अंदर। जब तक हम हॉस्पिटल में जाते हैं हल्के हल्के जहर फैलने लगता है, कभी कभी तो इतना क्वांटिटी में जहर चले जाता है कि इंसान हॉस्पिटल जाते जाने से पहले ही मर जाता है। तो ये टूल किस तरह हेल्प करता है, ये इससे जब आपका जहर बाहर निकलेगा, ये दबाव से, सक्शन से, खिंचाव से जब जहर बॉडी के बाहर निकलेगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड में जो जहर गया है ये आपका वापस खींचेगा बॉडी के बाहर। जब आप हॉस्पिटल जा रहे होंगे तो आपका उतना क्वांटिटी जहर आपका ब्लड में नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब स्नेक ने समझो काटा, और समझो एक 10 ml के आसपास आपका जहर आपके बॉडी में चला गया, ठीक है, और अगर जब आप ये यूज़ करते हैं सक्शन के लिए, जब आप इसमें से जहर वापस निकाल रहे होते हैं, तो ये जो 10 ml है, तो ये सक्शन से एटलीस्ट 70 to 80%, मतलब 7-8 ml ये जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है ये बाहर आ जाएगा, तो आपके बॉडी में जाएगा 1-2% या 3% जहर। फिर भी आप इसको 2-3 बार सक करिए तो मैक्सिमम पॉसिबल जहर वापस आ जाएगा, तो आपके ब्लड में कम से कम जहर होगा, और आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 80-90% हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, ये आपके बचने के, आपके फैमिली के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना ही है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि वो जो 1-2% बाई चांस बचता भी है, वो बहुत देर में इफेक्ट करेगा, लेकिन बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा जो टाइम है, जो गोल्डन टाइम है हमारे पास,
वो गोल्डन टाइम बढ़ाने के लिए है। तो आपको समराइज कर देता हूँ कि क्या करना है हमें स्नेक बाइट के दौरान। सबसे पहला स्टेप, आपको स्नेक को देखना है, स्नेक कैसा है, कैसा दिखता है, वो आपको डिस्क्राइब करना है हॉस्पिटल में डॉक्टर को, जिससे आपको पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। और सेकेंडली, चाहे वो पॉइजनस हो या ना हो, आपको हॉस्पिटल जाना ही है, एक बार आपको एंटी वेनम या ट्रीटमेंट लेना ही है। और इस दौरान आपको ये टूल यूज़ करना है ताकि जितना भी पॉइजन वगैरह हो या वेनम हो, वो आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल जाए और आपके बचने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस दौरान आपको हॉस्पिटल जाना है, आपके पिकनिक स्पॉट के आसपास आपने जो हॉस्पिटल सर्च करके रखा होगा वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में आपको जाना है। और डेफिनेटली आप ये कैरी करिए और आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ अपनी पिकनिक, अपना टूर एंजॉय करिए और हेल्दी रहिए। तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।